हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप लोग पाटलिपुत्र में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन किए थे बट उसका पासवर्ड भूल गए। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर पे तो पासवर्ड गया था बट क्या करें, मोबाइल नंबर से डिलीट हो गया। और दोस्तों, फॉरगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉरगेट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर फॉरगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉरगेट भी नहीं हो रहा है। जैसे भी मैंने यहाँ पर फॉरगेट किया तो एनुअल टू वेरीफाई योर डिटेल मांग रहा है। दोस्तों, या एक पासवर्ड इसका कहाँ से मिल जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने तो ऑनलाइन कराते वक्त ईमेल आईडी तो ज़रूर दिए होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को सिंपली वो ईमेल आईडी पे मैसेज किया, तो आपको सिंपली ईमेल आईडी खोल लेना है। तो जैसे मैंने ईमेल आईडी खोल लिया और दोस्तों मैंने जैसे ईमेल आईडी दिया था, तो दोस्तों आपको सिंपली साइड में 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करना, आपको सिंपली नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे स्पैम है, स्पैम पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को वो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को यूजर नेम और आईडी पासवर्ड पाटलिपुत्र का मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वाला ईमेल आईडी पर पब्लिक मैसेज नहीं है, इस पर सिंपली लॉक लगा हुआ है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ईमेल आईडी पे मैसेज इस बार दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।